रियलमी ने जो है रियलमी का नार्जो सीरीज किया अंदर नार्जो 30 एंड 30 5G लॉन्च किया। तो रियलमी का अगर देखेंगे ना आपको काफी कंफ्यूजन लगेगा, मतलब एक ही फोन को बार बार रिवेंड किया जा रहा है एंड अगर आप एक प्राइस कैटेगरी के अंदर दो तीन फोन उठाकर देखेंगे हर एक फोन आपको एक ही तरह देखने को मिल जाएगा, मतलब काफी कंफ्यूजिंग टाइप का लग रहा है। एक ही स्पेसिफिकेशन को बार बार घुमा फिरा के एक एक नाम से यूज कर रहे हैं, यह चीज भी काफी कंफ्यूजन लगा। इस मोमेंट में जो है अगर आप देखेंगे रियलमी का नार्जो 35 जो है बेसिकली ये जो फोन है ये रियलमी 8 जो 5G है इसको रिवर्ट किया गया। तो ओवरऑल अगर देखेंगे स्पेसिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, फोन का जो डिजाइन रखा गया पीछे का पैटर्न वाइज थोड़ा सा डिजाइन को चेंज किया गया और बाकी सब कुछ एक है। तो इस कंडीशन में आपको कौन सा फोन लेना चाहिए वो आपको जानने को मिल जाएगा। हालांकि मैं सबसे पहले वीडियो में बाकी पार्ट में जाने का पहले एक चीज रिकमेंड करूंगा, हो सके तो 5G फोन इग्नोर कीजिए इस बजट का। जो भी फोन अगर आप लेंगे ना 5G का ऊपर हर एक फोन जो आपको जेब कर रहा है, बेसिकली कंप्लीटली जेब कर रहा है, ओवर प्राइस्ड होकर ये हर एक फोन आ रहा है। इतना प्राइस का फोन ही नहीं है, सिर्फ 5G देने के लिए आपका इतना सारा स्पेसिफिकेशन इधर कट डाउन किया जा रहा है, जो हम लोग नियर फ्यूचर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ एग्जाम्पल के ऊपर दिखाकर बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों Realme 8 5G या Narzo 35G जो है दोनों फोन का अगर प्राइस की पर आप गौर करेंगे तो Realme 8 5G जो है आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल के साथ 14,000 में देखने को मिलेगा। इसका बाहर में एकदम 8GB रैम 128GB के इंटरनल का वेरियंट देखने को मिलेगा जो आपको देखने को मिलेगा 17,000 रुपये में, बहुत ही महंगा। बीच का 6GB का जो स्लॉट है इसको कंप्लीट फाका रखा गया एंड ये एरिया में आपको देखने को मिलेगा Realme Narzo 35G को। तो Realme Narzo 35G जो है ये आपको देखने को मिलेगा 6GB रैम 128GB इंटरनल के साथ 16,000 रुपये में। तो ये दो फोन को अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकेशन तो सेम है, सिर्फ आपको देखना है आपको कौन सा रैम वेरिएंट चाहिए। अगर आपको 4GB के साथ जाना चाहिए तो ऑब्वियसली आप रियलमी 8 5G ले सकते हैं, अगर आपको नहीं 6GB रैम वाला चाहिए तो आपको उस मोमेंट में जो है Narzo 35G लेना चाहिए। तो दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन के ऊपर गौर करते हैं तो सबसे पहले डिजाइन देखिए, डिजाइन एकदम ही ठीक ठाक मिनिमल डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, प्लास्टिक बैक बट ग्लॉसी फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिजाइन ठीक ठाक है बट बहुत ही कुछ अच्छा रिफ्रेशिंग डिजाइन नहीं है। एंड इसका साथ अगर फिजिकल ओवरव्यू देखेंगे नीचे आपको दोनों में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, दोनों में आप डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड सेम टाइम यूज कर पाएंगे, दोनों में सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलेगा। इस बजट में आज के दिन में हर एक फोन डुअल स्टूडियो स्पीकर के साथ आ रहा है, 5G के लिए ये चीज इधर कट डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला कट डाउन दोनों फोन में जो है आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग चैनल में वीडियो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके लाइक नहीं करके चल जाते हो, इसके लिए देखिए चैनल में व्यूअर्स टू सब्सक्राइबर का रेशियो 1% का भी नीचे चल रहे हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो इस तरह वीडियो का आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा एंड इसका साथ साथ हम लोगों को भी चैनल को ग्रो करने में हेल्प होगा। एंड स्पेशली ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक होगा ये वीडियो उतना ही ज्यादा ग्रो एंड रीच करने में हेल्प होगा ये वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो का बाकी पार्ट। तो दोस्तों अगर दोनों फोन का डिस्प्ले देखेंगे 6.5 इंच का एक आपको फंक्शनल वर्क डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, तो दोनों ही जो है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, IPS LCD डिस्प्ले है। ग्लास के ऊपर किस तरह का प्रोटेक्शन है कोई डेटा हम लोगों के पास नहीं है, पर दोनों फोन ही जो है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ ही देखने को मिलेगा एंड 120Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ आ रहा है। हालांकि इस बजट में आजकल तो एमोलेड आ रहा है बट दोनों फोन में 5G के लिए ये चीज को भी कट डाउन किया गया, देखिए और एक कट डाउन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग दोनों फोन का अगर परफॉर्मेंस सेक्टर देखेंगे MediaTek Helio Dimensity 700 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, Dimensity 700 जो एकदम एंट्री लेवल सेगमेंट का एक 5G प्रोसेसर है जिसका परफॉर्मेंस आपको अंदाजा लगाना है तो MediaTek Helio G95 की तरह आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एंड 350,000 के आसपास का आपको एंटीटू की पर बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाएगा। तो गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल जाएगा, इसके साथ डेली लाइफ टास्क मल्टीटास्किंग जो अच्छा खासा आपको होते देखने को मिलेगा एंड दोनों फोन में जो आपको 6 कोई एक 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया, यह चीज अच्छा लगा ये दो फोन का। जनरली आज का दिन में 30,000 रुपया का भी फ्लैगशिप फोन देखिए 30,000-35,000 रुपया का कुछ फोन थे एक या दो 5G बैंड देकर ही छोड़ दे रहा है, इवन इसको अपडेट की तौर पर जो है इनेबल किया जा सकता है ये भी संभव नहीं है, बट ये चीज ये फोन का एक अच्छा है, 6-7 आपको 5G बैंड का सपोर्ट दिया जा रहा है तो ये एक अच्छा चीज है। इसका बाहर में कैमरा देखेंगे ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा दोनों फोन में, 48 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, एपर्चर 1.8 की साथ सेंसर जो है सैमसंग का GM1 सेंसर बहुत ही पुराना सेंसर फर्स्ट जनरेशन 48 MP का सेंसर देखने को मिलेगा, जब पहला 48 MP सेंसर आया था उस टाइम का सेंसर है ये। इसका बाहर में 2 MP का सेंसर जो कोई काम का नहीं है, टेक्निकली देखा जाए तो ये फोन सिंगल कैमरा सेटअप के साथ आ रहा है,
मैक्रो को भी काम में नहीं ले सकते, अब इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, सेम टाइम अगर हम लोग फ्रंट को देखेंगे 16 मेगापिक्सल का सेंसर आपको देखने को मिलेगा, ये भी सैमसंग का ही सेंसर है एंड अपर्चर है 2.1 देखने को मिल जाएगा। तो ये है कैमरा सेटअप। ओवरऑल कैमरा क्वालिटी देखिए, डे लाइट में तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, लो लाइट में भी आपको डिसेंट क्वालिटी का, बट कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। एज ए 14 मेगापिक्सल वाइज जितना अच्छा मिलना चाहिए एज ए कैमरा, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा ये दोनों फोन से, क्योंकि मैं रियलमी 8 5G का रिव्यू देख रहा था यूट्यूब के ऊपर एंड इसका साथ साथ जो है मैं फेसबुक के ऊपर फ्लिपकार्ट के ऊपर जो रिव्यू सेक्शन देखने को मिलता है हर एक फोन की, ये रिव्यू सेक्शन में भी देखा काफी सारे लोग कैमरा लेकर कंप्लेन कर रहे हैं, जिस तरह का होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। बट वीडियो रिकॉर्ड मैक्सिमम 180p तक ही देखने को मिलेगा, 4K सपोर्ट ही नहीं है डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर के ऊपर। तो देखिए ये ऐसा प्रोसेसर है जिधर 4K का भी सपोर्ट नहीं दिया गया, किस तरह का प्रोसेसर आप सोच सकते हैं। एंड दोस्तों इसका बाहर में दोनों फोन में ही जो है आपको स्लो मोशन की तरह फीचर देखने को मिल जाएगा 120fps एट 720p एंड इसका साथ साथ EIS की तरह फीचर जो है वो भी देखने को मिलेगा 180p 30fps के ऊपर। एंड दोस्तों अगर बैटरी को देखा जाए तो बैटरी 5000mAh की आपको देखने को मिल जाएगा, 18W का चार्जर एडाप्टर इनबॉक्स दिया गया, जब इस बजट में आराम से 30W का चार्जर एडाप्टर रियलमी इसका पहले भी दिया था। तो ये चीज भी इधर आपको कट डाउन देखने को मिल रहा है, कैमरा भी कट डाउन देखने को मिल रहा है। ऐसा तो देखा जाए तो जिस बजट में ये सब फोन आ रहा है इसका साथ देखिए चार्जिंग में भी कट डाउन आपको देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत सारा चीज में कट डाउन किया जा रहा है जस्ट एक 5G देने के लिए, जो एकदम ही सही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था पहले अगर आपको 5G फोन लेना है तो ये सब फोन मत लीजिएगा, बट अगर फिर भी लेना है इस बजट के अंदर तो कोई भी एक फोन ले लीजिए। अगर आपको 6GB लेना है तो आप रियल नार्जो 30 5G के साथ जाइए, नहीं तो अगर 4GB के साथ आप जा सकते हैं तो ऑब्वियसली आप जाइए रियलमी 8 5G के साथ, नहीं तो इसका भी अल्टरनेटिव आपके पास देखने को मिल जाएगा पोको M3 Pro 5G, ये फोन को भी आप कंसिडर कर सकते। तो ये है ओवरऑल छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक दीजिएगा एंड हम लोगों का ये वीडियो का लाइक टारगेट जो रखा गया जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है फिल वीडियो कर कमेंट कीजिए, आपका हर एक कमेंट का आंसर देने का ट्राई करूंगा। चैनल में रहने पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ, फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।